हेलो स्टूडेंट्स, आपने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी सैलून में जाते हैं तो वहाँ पर आपके बहुत सारे इमेजेस मिरर में दिखते हैं, है ना। वहाँ पर होता क्या है कि आपके सामने एक प्लेन मिरर होता है, आपके पीछे एक प्लेन मिरर होता है ना, और उन दो मिरर्स में आपके इमेज के बहुत सारे इमेजेस बन रहे होते हैं, और इसीलिए इतने सारे इमेजेस हमें दिखते हैं, है ना। तो आज हम लोग वैसा ही कुछ केस डिस्कस करेंगे जिसमें दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल रखे हो सकते हैं या किसी एंगल पर इंक्लाइन हो सकते हैं। उन दोनों मिरर्स के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो टोटल कितने इमेजेस बनेंगे, ये हम लोग आज समझने की कोशिश करें। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो मिरर दिखाया है। मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला जो है ये है मिरर M1 और ये है मिरर M2। दोनों मिरर जो हैं वो एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। ठीक, तो अगर हमें पता करना हो नंबर ऑफ इमेजेस तो उसको हम लोग एन कह सकते हैं। एन की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा। 360 डिग्री क्यों? क्योंकि ये जो मिरर है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें एक छोटे से पॉइंट जैसा दिखता है, और इसके अराउंड टोटल कितना एंगल बनता है, इसके अराउंड टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, उस 360 को हम लोग इस थीटा एंगल से डिवाइड कर देते हैं। थीटा क्या है? दोनों मिरर्स के बीच का इंक्लिनेशन है या एंगल है। ठीक, अब ये जो एन है, एन की वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो जब इंटीजर होगा तो उसके लिए हम लोग अलग मेथड अप्लाई करेंगे, जब फ्रैक्शन में होगा तो उसके लिए अलग मेथड अप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं कि जब एन इंटीजर होगा तो क्या होगा। व्हेन एन इज इंटीजर, अब इसमें देखेंगे मैंने एक टेबल बनाया है, तो उस टेबल में मैं सारे कंडीशन लिखूंगा। जैसे ये जो पहला कॉलम है इसके ऊपर मैं रखूंगा वैल्यू ऑफ एन। अब एन की जो वैल्यू है वो इवन हो सकता है और ऑड भी हो सकता है ना। अगले वाले कॉलम में रखेंगे प्लेसमेंट, प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अब प्लेसमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट का दो तरीके का हो सकता है ना। जैसे ये देखेंगे कि जो दो प्लेन मिरर्स हैं, है ना, उनके बीच कुछ एंगल बन रहा है। अगर हम लोग ऐसा करें कि उसका एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये बिल्कुल बीचों बीच लाइन ड्रॉ किया है। ठीक, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट इस एंगल बाइसेक्टर पर आ गया हो, है ना, ये है एंगल बाइसेक्टर। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस एंगल बाइसेक्टर पर रखा हो तो कहते हैं कि सिमेट्रिकल प्लेसमेंट है, सिमेट्रिकल प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों मिरर से इक्वल एंगल पर यह एंगल बाइसेक्टर होता है, या दोनों मिरर से कह सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस पर यह ऑब्जेक्ट पड़ेगा। ठीक, इस एंगल बाइसेक्टर के अलावा कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए, जैसे यहाँ रख सकते हैं या इस लाइन के नीचे भी रख सकते हैं, तो उसको अनसीमेट्रिक जो है प्लेसमेंट कहा जाता है। तो ये जो प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का, इसको हम लोग कहते हैं अनसीमेट्रिकल प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये दो तरह का जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर पॉसिबल है। तो दोनों के लिए हम लोग देखेंगे कि क्या होगा है। जैसे अगर इवेन नंबर हो, एन का जो वैल्यू है वो इवेन नंबर हो, है ना, और जो प्लेसमेंट है वो हम लोग कहीं भी चाहे सिमेट्रिक रखें या अनसिमेट्रिक, दोनों ही केस में जो है एन माइनस वन इमेजेस दिखते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस सीन, वो होता है एन माइनस वन। ठीक है,
अब यहाँ पर देखेंगे, मैंने बताया था नंबर ऑफ इमेजेस एन, ये एक्चुअली में है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। एन इमेजेस बनते हैं लेकिन हमें एन दिखते नहीं है। कारण क्या है कि लास्ट के दो इमेजेस जो है कॉन्साइड कर जाते हैं, है ना। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज एक यहाँ भी बनेगा, इसका इमेज देखेंगे एक इधर भी बनेगा, इस तरह से इधर ऐसे ऐसे बनते रहेंगे, है ना। ऐसे तो दो इमेज जो है, एक इस मिरर का इमेज और एक इस मिरर का इमेज, दोनों जो है लास्ट वाले कॉन्साइड कर जाते हैं अगर एन की वैल्यू इवन हुआ तो, है ना। और इसीलिए जो है हमें एक कम इमेज दिखता है, ठीक है। अगर ऐसा मान लिया जाए कि जो थीटा है वो 30 डिग्री, ठीक है, तो एन का वैल्यू आएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 30 डिग्री यानी 12, ठीक है। चूंकि ये इवन नंबर है तो प्लेसमेंट कहीं भी रखेंगे, चाहे एंगल बाइसेक्टर पर रखें या उसके अलावा कहीं दूसरी जगह रखें, तो हमेशा दो इमेजेस कॉन्साइड कर जाएंगे। 12 में से 10 इमेजेस तो बिल्कुल अलग अलग सेपरेट बनेंगे, लेकिन 11वां और 12वां दोनों कॉन्साइड होकर के एक ही दिखेंगे। तो हमें कितने इमेज दिखेंगे, 10 और प्लस 1, 11 इमेज दिखेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, इमेजेस बनते तो 12 है लेकिन हमें दिखते नहीं है 12, हमें दिखते हैं केवल 11। तो जो एन है वो मैंने बताया नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, कितने बनते हैं लेकिन हमें दिखते कितने हैं, एक कम होकर के दिखता है। नंबर ऑफ इमेजेस सीन इज इक्वल टू एन माइनस वन। उसी तरह से अगर एन का वैल्यू ऑड हो और जो प्लेसमेंट है वो सिमेट्रिक हो, है ना, अगर प्लेसमेंट सिमेट्रिक हो यानी ऑब्जेक्ट जो है एंगल बाइसेक्टर पर रखा हो, तो फिर से लास्ट के दो इमेजेस कॉन्साइड कर जाते हैं तो हमें एक कम इमेज दिखता है, यानी फिर से एन माइनस वन इमेज दिखेंगे। अगर एन जो है ऑड हो और प्लेसमेंट अनसिमेट्रिक हो, है ना, प्लेसमेंट अनसिमेट्रिक हो, तब कोई भी इमेजेस कॉन्साइड नहीं करते, यानी पूरे 12 के 12 हमें दिखेंगे, जितने इमेजेस फॉर्म होंगे उतने हमें दिखेंगे, तो इस केस में एन इमेज दिखेंगे। ये तो तब का कंडीशन हो गया जब एन इंटीजर हो, ठीक है। और इसमें जो है हमें खास बात एक ध्यान रखना है कि गिवन थीटा के लिए नंबर ऑफ इमेजेस यूनिक होता है। मतलब अगर थीटा का वैल्यू बता दिया गया है ना, तो हम बता सकते हैं कि कितने इमेजेस बनेंगे। लेकिन अगर ये कह दिया गया कि इतने इमेजेस बन रहे हैं, थीटा का वैल्यू बताओ, तो थीटा का वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकता है ना। तो इसलिए कहते हैं कि एन इज अगर थीटा का वैल्यू हमें दिया गया हो तो एन यूनिक होगा, एन इज यूनिक फॉर अ गिवन थीटा, बट थीटा इज नॉट यूनिक फॉर गिवन एन, ठीक है। तो अगर एन का वैल्यू, मतलब सपोज हमने कर दिया कि 5 इमेजेस बन रहे हैं, तो उसके लिए थीटा के दो वैल्यू हो सकते हैं। आप पता करेंगे तो पता चलेगा थीटा के वैल्यू दो आएंगे, 60 डिग्री भी हो सकता है और 72 डिग्री भी हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर पहले ही थीटा बता दिया गया हो, है ना, थीटा बता दिया गया हो, प्लेसमेंट बता दिया गया हो, तो एक ही नंबर आएगा इमेज का, कितने इमेजेस बनेंगे, उस केस में एन जो है वो यूनिक होगा, ठीक। तो ये तो हो गया इंटीजर वाला केस। अब देखते हैं कि अगर एन इंटीजर नहीं होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब मैं एक दूसरा मेथड बताने वाला हूँ। ये मेथड हालांकि तब भी अप्लाई किया जा सकता है जब एन इंटीजर हो, और तब भी अप्लाई किया जा सकता है जब एन फ्रैक्शन हो, है ना, सारे केसेज में अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, तो
ये मेथड मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये मेथड है व्हेन एन इज फ्रैक्शन और एन इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कि एन जब इंटीजर नहीं होगा तो ये अप्लाई करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर एन इंटीजर होगा तब भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये मेथड में क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ये देखेंगे मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है ना, ये डायग्राम बनाया है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ इसको, इसमें कलर हम चेंज करेंगे, ये हो गया। तो सपोज ये दो मिरर है, ये है M1 और ये है M2, ठीक। अब इसमें जो है सपोज एक ऑब्जेक्ट इधर रखा है हमने, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, और अगर इसका हम लोग एंगल देखें दोनों मिरर से, तो वो एंगल भी हम लोग यहाँ से देखेंगे ऐसे, ठीक है। ये एंगल सपोज मैं ले लेता हूँ 20 डिग्री, और ये वाला एंगल ले लेता हूँ 10 डिग्री, ठीक है। एक्चुअली में एन जब इंटीजर नहीं होगा तब के लिए मैं ये मेथड बता रहा हूँ, लेकिन ये मेथड तब भी अप्लीकेबल है जब एन इंटीजर हो, है ना। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है, तो चूंकि मेथड जो है थोड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने एन जानबूझकर ऐसा लिया है, मतलब थीटा मैंने ऐसा लिया जानबूझकर कि एन इंटीजर ही आएगा, ठीक है। हालांकि इस मेथड को आप तब भी अप्लाई करेंगे जब एन इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है। देखते हैं पहले कैसे जो है इमेजेस की संख्या हमको पता चले, है ना। तो एक मिरर ये है और दूसरा मिरर ये है। अब ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो M2 मिरर है, इस M2 से 10 डिग्री ऊपर ऑब्जेक्ट है, तो 10 डिग्री नीचे जो है एक इमेज बनेगा, इसको मैं कह देता हूँ I1, ठीक है। तो एक मिरर है M2 और एक मिरर है M1। M1 में M1 से 10 डिग्री के एंगल पर जो है एक इमेज बनेगा, ठीक है। अच्छा, जो M1 है इससे 20 डिग्री पर बनेगा, यहाँ से 20 डिग्री इधर जाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनेगा, इसको मैं कह देता हूँ I2, ये 20 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। तो इस पर बनेगा 20 डिग्री के एंगल पर इमेज। अब अगला इमेज देखेंगे तो इमेज के इमेज बनेगा, जैसे मैं कहता हूँ कि ये I1 है, ये I1 इमेज जो है वो इस M1 मिरर से कितना एंगल बना रहा होगा, टोटल एंगल देखेंगे तो ये आएगा 40 डिग्री, 20 ये, 10 ये और 10 ये, है ना। तो टोटल एंगल हो गया 40 डिग्री। तो 40 डिग्री इस मिरर से इधर, ये ऑब्जेक्ट है, इस इमेज को मैं इसके लिए ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ क्योंकि इसका अब इमेज बनाएगा वो, तो 40 डिग्री इधर ऑब्जेक्ट है, तो 40 डिग्री पीछे इमेज बनेगा उसका, है ना, इधर कहीं इमेज बनेगा, उसको मैं कह देता हूँ I3। तो M1 में एक और इमेज बनेगा जो कि 40 डिग्री पर बनेगा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से जब ये M1 में ये I2 एक इमेज बना था, उसका इमेज भी इस M2 मिरर में बनेगा, कैसे। M2 से अगर इस I2 का एंगल पता करें, तो M2 देखते हैं ये है, ये एंगल हो गया 30 डिग्री और ये एंगल हो गया 20 डिग्री, है ना। तो 30 प्लस 20 यानी 50 डिग्री, तो M2 से 50 डिग्री के एंगल पर ये I2 है, तो 50 डिग्री पीछे इधर जो है, यहाँ से 50 डिग्री पीछे इस I2 का इमेज इस M2 में बनेगा, जिसको मैं I4 कह देता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर 50 डिग्री M2 में बनेगा, ठीक है। तो हमने चार इमेजेज बनाए, ये इमेज को बनाने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है ना। अब क्या है कि आपको इतने सारे इमेजेज बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने तो इमेज बना के दिखाया उस मिरर में, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे M1 से 20 डिग्री पर था, तो पहला 20 पर बना,
M2 से 10 डिग्री पर था ये ऑब्जेक्ट, तो 10 डिग्री पर बना। अब क्या करना है, दोनों मिरर के बीच का एंगल हमने कितना लिया था, 30 डिग्री, 20 ये और 10 ये, ठीक। तो मिरर के बीच का जो एंगल है उसको ऐड करते जाना है। जैसे ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री में 30 डिग्री ऐड करेंगे तो ये 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये 20 डिग्री में 30 डिग्री ऐड करेंगे तो ये 50 डिग्री आ जाएगा, फिर इस 50 में 30 ऐड करेंगे तो ये 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इस फिर 40 में 30 डिग्री ऐड करेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो आगे क्या करते जाना है, बस वो 30 डिग्री हमें ऐड करते जाना है, ठीक है। तो इस 70 में 30 डिग्री ऐड करेंगे तो ये 100 डिग्री आएगा, इस 80 में 30 ऐड करेंगे तो 110 डिग्री आएगा, है ना। फिर इस 100 में 30 ऐड करेंगे तो 130 डिग्री आएगा, फिर 110 में 30 डिग्री ऐड करेंगे तो 140 डिग्री आएगा, फिर अब 140 में 30 डिग्री ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 170 डिग्री, फिर इसमें 130 में 30 डिग्री ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 160 डिग्री, ठीक। अब आप कहेंगे ऐसा कितना दूर तक जाएंगे, कितने एंगल तक जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये तब रुक जाना है जब अगली बार 30 जोड़ने से 180 पार कर जाए, 180 से आगे नहीं जाना है। अब 160 में आप 30 डिग्री जोड़ेंगे तो 180 क्रॉस कर जाएगा, उसी तरह से 170 में भी 30 डिग्री ऐड करेंगे तो भी 180 पार कर जाएगा। अब यहाँ पर रुक जाना है, इससे ज्यादा आगे जाना नहीं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इधर ज्यादा से ज्यादा एंगल एक मिरर के आसपास 180 डिग्री इधर हो सकता है और दूसरे वाले मिरर को 180 दोनों जोड़ करके 360 डिग्री, किसी पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल 360 होता है। तो इसका 180 पार नहीं करना चाहिए, इसका 180 पार नहीं करना चाहिए, है ना। मैक्सिमम इसका 180 पर हो सकता है, मैक्सिमम इसका 180 पर हो सकता है, तो 180 180 मिला करके 360 हो जाता है, तो 180 क्रॉस नहीं करने देना। तो ये 170 पर रुक जाएंगे क्योंकि इसमें 30 जोड़ने से जो है 200 हो जाता है जो कि 180 पार कर गया। फिर उसी तरह से इस यहाँ पर रुक जाएंगे 160 पर क्योंकि इसमें 30 ऐड करने से ये 190 हो जाएगा जो 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर रुक जाएंगे। अब रुक गए तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे काउंट करें, देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है M1 में कितने इमेजेस बने, 1 2 3 4 5 6, ये इमेजेस के लोकेशन है कि इतने एंगल पर M1 से इतने एंगल पर इमेजेस ये बनेंगे। तो 6 इमेजेस M1 में बनेंगे और उसी तरह से 6 इमेजेस M2 में बनेंगे, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 M1 में 6 M2 में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 12 इमेज बन गए, 12 इमेजेस बन गए। अब इनमें से क्या लास्ट के दो इमेज जैसे ये है 160 और 170, क्या ये दोनों इमेजेस कॉइंसाइड करेंगे या नहीं करेंगे, इसको चेक करने के लिए क्या करना है, ये लास्ट के दोनों एंगल 160 170 और दोनों मिरर के बीच का जो एंगल 30 डिग्री जो था जोड़ेंगे, अगर ये एग्जैक्टली 360 आता है तो लास्ट के दो इमेजेस कॉइंसाइड करेंगे, ठीक है। मतलब लास्ट के दोनों एंगल जोड़ना है और दोनों मिरर के बीच का एंगल जोड़ना है, अगर ये एग्जैक्टली 360 आता है तो लास्ट के दोनों इमेज कॉइंसाइड करेंगे, अगर एग्जैक्टली 360 नहीं आता, उससे कम आता है, तो इसका मतलब कॉइंसाइड नहीं करेंगे। 360 से ज्यादा आगे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, कम हो सकता है बराबर हो सकता है, ठीक है। तो अगर एग्जैक्टली बराबर हो गया तो लास्ट के दोनों कॉइंसाइड कर जाएंगे, एक ही जगह पर बनेंगे, है ना। और अगर 360 से कम है इसका मतलब वो अलग अलग बन रहे होंगे, तो सारे इमेजेस तब दिखेंगे। तो अभी जो है इस केस में 160 170 और 30 ऐड करने से एग्जैक्टली 360 आ रहा है ना, और इसीलिए लास्ट के दोनों इमेजेस जो 160 और 170 कॉइंसाइड करेंगे। जब ये दोनों कॉइंसाइड कर जाएंगे तो इनके बदले में हमें तो एक ही इमेज दिखेगा, ठीक है। तो टोटल कितने इमेज दिखेंगे, 5 इसके और 5 इसके, 10 तो सेपरेट दिखेंगे
और ये दोनों मिलकर के एक दिखेंगे, यानी टोटल हमें 11 इमेजेस दिखेंगे। ठीक है, ये मैंने जानबूझ करके 30 डिग्री का एंगल लिया था। इससे हम लोग इंटीजर वाला जो जो हमने थ्योरी पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। वो क्या पढ़ा था कि अगर एन का वैल्यू इवन आता है, 360 डिग्री बाई 30 डिग्री, यहाँ से देखेंगे 12 आएगा, है ना, और 12 चूंकि इवन नंबर, तो ऊपर टेबल में मैंने क्या बताया था कि अगर इवन नंबर है एन का वैल्यू, तो कहीं भी रखेंगे तो लास्ट के दो इमेज कॉइंसाइड कर जाएंगे, तो हमें n-1 इमेज दिखेंगे। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर से n-1 यानी 12-1 यानी 11 इमेजेस हमें दिखेंगे। तो वहां से भी 11 ही आ रहा है और ये जो तरीका है यहां से भी 11 ही आ रहा है। ठीक है, अब ये जो तरीका है इसको हम लोग वैसे एंगल के लिए भी निकाल सकते हैं जिसके लिए एन का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, इंटीजर में नहीं है। जैसे मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि जो ए जो थीटा है वो 23 डिग्री है ना, 23 डिग्री, जैसे कि एक मिरर ये हो गया, एक मिरर ये हो गया, 23 डिग्री में जैसे सपोज ये हो गया 10 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, 13 डिग्री, है ना, टोटल एंगल 23 डिग्री। इसमें आप एन निकालिएगा 360 डिग्री बाई 23 करके, तो एन फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो मेथड अभी सीखा है इस मेथड को अप्लाई करके बहुत जल्दी आप जो है वैल्यू पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस पता कर सकते हैं, जैसे M1 और M2। M1 में इमेज जो पहला इमेज बनेगा वो 10 डिग्री के एंगल पर बनेगा, M2 में जो पहला इमेज बनेगा वो 13 डिग्री के एंगल पर बनेगा। ठीक है, बाकी इमेजेस पता करने के लिए क्या करना है, एंगल बिटवीन मिरर जो 23 डिग्री होता है वो जोड़ते जाना है, इसमें 23 जोड़िए, है ना, तो ये 33 डिग्री पर बनेगा, इसमें 23 जोड़िए, है ना, तो ये हो जाएगा आपको 36 डिग्री, है ना। उसी तरह से 23 जोड़ते जाइए, तब तक जोड़ते जाना है जब तक ये 180 पार करने वाला नहीं, 180 डिग्री से नीचे ही रहना चाहिए या 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं, है ना, बहुत सिंपल है। इसमें इसने शायद ही कोई इमेज जो है लास्ट में कॉइंसाइड करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस काउंट कर सकते हैं, ये जो एंगल है इस एंगल पर एक इमेज बनेगा, इस एंगल पर एक इमेज बनेगा, इस तरह से बनाते हैं आप, तो बना बना करके काउंट कर सकते हैं सारे इमेज, है ना। तो ये जो तरीका है वो दोनों तरह के एन के लिए वैलिड है, चाहे एन इंटीजर हो चाहे एन फ्रैक्शन में।